सब लोग इधर जो धक्का मारेगा मैं टिफिन बॉक्स ओपन कर आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कॉजेज में हम अक्सर थोड़ा सा डोनेशन दे देते हैं, जेब से पैसा दे देते हैं और ये भूल जाते हैं कि सिर्फ पैसे से ही काम नहीं होता, यू हैव टू ऑल्सो बिलीव इन द कॉज, यू ऑल्सो हैव टू थोड़ा वक्त निकालना पड़ता है ऐसे कॉज के लिए, आके थोड़ा सा इंटरेक्शन आप भी करते हो, उनको भी अच्छा लगता है, आपको भी थोड़ा कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। और आई थिंक नदीम इज़ डूइंग अ फैबुलस जॉब। और हाईलाइट की बात है, मैं नदीम को पहले से जानता नहीं इसका मुझे मैसेज आया और मैंने मैसेज पढ़ा और मुझे ऐसा लगा ऐसे कॉज के साथ मेरे लिए ये कॉज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई 5-स्टार पार्टी से 10 गुने ज़्यादा मायने ऐसा कॉज रखता है मेरे लिए, क्योंकि पार्टीज पे तो मैं जाता भी नहीं हूँ अक्सर, लेकिन ऐसे कॉज के लिए जुड़ना मेरे लिए बहुत फख्र की बात है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि थोड़ा वक्त निकाल के मैं आ सका, और ज़्यादा वक्त निकालता लेकिन मुझे कहीं और जाना भी है, शूटिंग पे जाना है बिग बॉस की, तो ये बच्चों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सर हाल ही में अभी आप बिग बॉस से बाहर आए हो, तो बिग बॉस के बारे में क्या कहना चाहोगे? मतलब आई थिंक बहुत अच्छी बात है, शो इतना बड़ा हिट हुआ है और लोगों को पसंद आ रहा है। बहुत कुछ सीखने, कपड़े कैसे धोते हैं वो सीखने मिला, बचपन में बर्तन धोया करता था, वापस एक प्रैक्टिस हो गई, 107 दिन बर्तन धोए, तो आपके घर पे कभी भी कोई फंक्शन होगा बुला लेना मुझे 200 रुपये में आगे सारे बर्तन धो लूँगा। और एक कहीं ना कहीं लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी सीखने को मिलते हैं आपको, कि आप किस पे कितना विश्वास कर सकते हो, कितना विश्वास कौन आपका कहाँ पे तोड़ सकता है, ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि जो पूरा विश्व है वो कहीं ना कहीं एक बिग बॉस का एक जो घर है वो रिप्रेजेंट करता है कि दुनिया में कैसे लोग हैं, अच्छे ही लोग हैं, कोई बुरा नहीं है, घर में सब प्लेयर्स ही थे, लेकिन काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सर आपके भी आप जब थे तो माहौल अच्छा था, आप थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच जी के मम्मी के बारे में कुछ बताया? मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मेरे लिए तो हर माँ अपनी माँ जैसी होती है एंड आई विश हर मदर ऑल द बेस्ट, स्पीडी रिकवरी एंड गॉड इज विथ हर, गॉड ब्लेस हर। टॉप 3 में किसको देखना चाहेंगे सर? थैंक यू सो मच, वी डोंट हैव सो मच टाइम, सो सॉरी। में तो जनता डिसाइड करेगी यार, बट थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस।
बाय बाय।